चुनावी मौसम में अब हमीरपुर भाजपा में हलचल मच गई है। बीते दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला सचिव कनिष्का चोपड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिला सचिव ने पार्टी में अपनी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह युवा मोर्चा में पिछले 3 वर्ष से निस्वार्थ भाव से काम कर रही थी, लेकिन वर्तमान में उन्हें युवा मोर्चा के कई कार्यक्रमों की जानकारी तक नहीं दी जा रही थी। पार्टी में अनदेखी के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। कनिष्का चोपड़ा के इस्तीफे से हमीरपुर भाजपा को जोर का झटका लगा है। युवा मोर्चा की जिला सचिव ने जिस तरह से पद से इस्तीफा दिया है, उससे माना जा रहा है कि संगठन में कई लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। इससे पहले जिला कांग्रेस में चल रहे शीत युद्ध की चर्चा पूरे प्रदेश में रही है, लेकिन युवा मोर्चा की जिला सचिव ने इस्तीफा देकर सत्तारूढ़ भाजपा में भी माहौल गर्म कर दिया है। बता दें कि इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। हमीरपुर सीट से 3 बार चुनाव में हैट्रिक लगा चुके अनुराग ठाकुर का काफी दबदबा अपने क्षेत्र में है, लेकिन युवा मोर्चा के पदाधिकारी के इस्तीफे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पद 2 महिलाओं को दिए गए, एक राखी है जो कि शासन पंचायत की प्रधान है, MSC बड़ी हुई है, युवा मोर्चा मंडल में पहले वो सचिव थी, आज उन्हें युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया। मुकुल ठाकुर जो कि सियानपुर मंडल से संबंध रखते हैं, उन्हें भी आज युवा मोर्चा का सचिव बनाया गया। और एक हमीरपुर मंडल की ताल मुख से हैं मिश्रा जी, उन्हें भी युवा मोर्चा में सह सचिव पद का पद दिया गया। और जिन्होंने रिजाइन दिया, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात का पता चला कि उन्होंने युवा मोर्चा पद से रिजाइन दिया। देखिए, जो युवा मोर्चा में जो प्रदेश से युवा मोर्चा जो काम मिलते हैं, बनबू 20 यूथ पन्ना प्रमुख का काम था, वो काम करना ही पड़ेगा, और जो काम करेगा उसी की युवा मोर्चा में उसे महत्व दिया जाएगा और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। और कृष्णा चोपड़ा ने अपने निजी कारणों से जो इस्तीफा दिया, पर उन्होंने जो ब्लेम लगाया था कि पढ़े लिखों की पार्टी में कदर नहीं है, तो पढ़े लिखों की कदर नहीं पार्टी में, जो काम करता है कार्यकर्ता की कदर होती है, और वो युवा मोर्चा में लगातार हो रही है।